हमीरपुर जिले के राड कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुरा में दीपावली के दिन हर्ष फायरिंग कर रहे शिक्षक की फायरिंग से दो लोग घायल हो गए थे, जिसमें घायलों की तहरीर पर पुलिस ने धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को जेल भेज दिया था। आज शिक्षक की रिहाई के मांग को लेकर सैकड़ों छात्र छात्राएं पूर्व सांसद के पास पहुंचे और शिक्षक को जेल से छुड़ाने की मांग की। छात्रों का कहना है कि उनकी परीक्षा में अब कुछ ही समय बचा है, अगर हमें ऐसे में कोचिंग नहीं मिलती है तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। ऐसे में दूसरे शिक्षक के पास पढ़ने से हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा और हमारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा। छात्रों की बात सुनने के बाद पूर्व सांसद राजीनामा का प्रस्ताव लेकर पीड़ितों के पास पहुंचे। पीड़ितों का कहना है कि अभी उनका उपचार चल रहा है, स्वस्थ होने के बाद इस मामले पर बात की जाएगी। बताते चलें, छात्र छात्राएं ना मानने पर पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पुलिस ने पहुंचकर छात्रों को समझाने में जुट गई। हमीरपुर से नौशाद रहीम की रिपोर्ट। आप लोग इधर आए हुए हैं राजनाथ बोधले जी के, ये क्या चाहते हैं आप लोग, किस वजह से आए हैं? हम सबको निकलवाना चाहते हैं, हमारी पेपर आने वाले, हम अपने भविष्य बनाना चाहते हैं और सर को बाहर निकलवाना चाहते हैं। सर का क्या नाम है? सर का धर्मपाल सरकार। राजनाथ बोधले जी के यहाँ पर सब लोग एकत्रित होकर आए हैं, काफी तादाद में, हजारों की तादाद में, क्या वजह है? जो अध्यापक थे उनकी कोचिंग के बच्चे सैकड़ों की तादाद में दरवाजे पे आए थे, क्या उनकी मांग थी सर, क्या आश्वासन मिला उनको? बच्चों की पीड़ा जान करके हमको भी कष्ट हुआ, ये दोनों पक्षों में किसी गलती है जो तो हमको अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन धर्मपाल जी के जेल जाने से इन बच्चों का जरूर भविष्य खराब हो रहा है। इन बच्चों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है और निश्चित रूप से हम पूरा प्रयास करेंगे इस मामले को खत्म कराया जाए, दोनों पक्षों को समझा करके और पुलिस के अधिकारी से मिलकर के भी ऐसा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द धर्मपाल जी बाहर आ जाएं और इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। ये मेरी बच्चों के प्रति हमदर्दी है।